आइए आज के व्याख्यान में एमए सेकंड सेमेस्टर ज्योग्राफी पेपर सेकंड ओशनोग्राफी समुद्र विज्ञान के अंतर्गत यूनिट थ्री के अंतर्गत हम आपसे चर्चा करेंगे मेरीन बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, समुद्री जैविकी पर्यावरण, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैविक प्रकार या बायो जोन, जैविक कटिबंध। आपके सिलेबस में इन बिंदुओं पर अंकित है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, बायो जोन और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। हम समुद्र विज्ञान के इन्वायरमेंट पर्यावरण के संदर्भ में आपसे चर्चा करेंगे। सामान्य रूप से आप भूगोल के विद्यार्थी हैं तो आप जानते हैं कि पर्यावरण का क्या तात्पर्य है, कि हम इस पृथ्वी पर स्थलीय भी भाग है, जल भी भाग है। तो इस हमारे इस पृथ्वी के स्थल के संदर्भ में कहेंगे तो इस पृथ्वी के चारों ओर जो आवरण है उसमें असंख्य जीव जंतु हैं, वनस्पतियां हैं, सूक्ष्म पौधे हैं, जिसे हम पर्यावरण कहते हैं। अब इस पर्यावरण के संदर्भ में आप स्थली भाग का जो अवलोकन करते हैं, देखते हैं, विभिन्न वनस्पतियां हैं, विभिन्न जीव जंतु हैं। इसी में एक और टर्मोलॉजी आता है, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। एक निश्चित क्षेत्र विशेष में किस प्रकार की भौगोलिक वातावरण है और वहां पर जीव जंतु किस प्रकार से अपना जीवन चक्र पूर्ण करते हैं, तब इसको आप कह देते हैं कि वहां का इकोलॉजी, इकोसिस्टम कहते हैं। फिर उसी प्रकार से शब्द आता है, आप परिचित हैं इन शब्दों से, कि फूड चेन की बात करते हैं, फूड पिरामिड की बात करते हैं, फूड वेव्स की बात करते हैं। अब जानते हैं कि किस प्रकार से ये जीव जंतु हैं वो एक दूसरे का भोजन करते हैं, जिसको आप कह देते हैं कि परपोषी, स्वपोषी, इस तरह के शब्दों का उपयोग आप करते हैं। फूड चेन कहें या फूड पिरामिड की बात करते हैं, कि जैसे सवाना घास का मैदान है तो घास उत्पन्न होता है तो घास को खाने वाले खरगोश है, फिर उसको आप कहते हैं, इस तरह से एक चेन बनता है। और लास्ट में आप पुस्तकों में, सभी पुस्तकों में दिया हुआ है कि लास्ट में आप लायन और शेर को बतलाते हैं। तो इस तरह से आप फूड चेन, फूड पिरामिड और फूड जाल की बात करते हैं। फिर इस स्थली भाग में जो विभिन्न जीव हैं उसको आप टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जैसे कहते हैं, तो विभिन्न जो जीव जंतु हैं उसको हम ऐसे भी शब्दों से बोल सकते हैं कि प्रोड्यूसर, उत्पादकता, उत्पादक, जैसे पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं, प्रोड्यूसर। फिर कंज्यूमर्स, उसका परपोषी, उसका भक्षण करने वाले, कंज्यूमर शब्द बोलते हैं। फिर उसमें आता है प्राथमिक में विकरण देते हैं, शाकाहारी होता है, मांसाहारी होता है, शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार का होता है, कुछ खोजी प्रवृत्ति के भी होते हैं, खोज कर अपना वो भरण पोषण करते हैं, कुछ पैरासाइट्स होते हैं और कुछ प्रीडेटर्स कहते हैं, शिकारी शार्क है जैसे। फिर डीकंपोजर की बात करते हैं कि जो मृत हो जाते हैं उनके अवशेष का वो भक्षण करते हैं। तो इस प्रकार के टर्मोलॉजी आएगा जीव एवं सूक्ष्म पौधों के संदर्भ में, एक इस तरह से टर्मोलॉजी आएगा, शब्दावली आएगा, जिसको आप जानते हैं और समझते हैं।
कि इस पृथ्वी जगत में विभिन्न जो पौधे हैं, विभिन्न वनस्पतियां हैं, विभिन्न सूक्ष्म जीव हैं, उनका एक जो फूड चैन बनता है, इन जीवों का विभिन्न ऐसे प्रकारों में उसको बांट दिया जाता है। शब्द आएंगे, फिर एक आर्यन विटेकर महोदय हुए, उन्होंने 1969 में जीव जगत को 5 वर्गों में विभाजित किया है। आपको हम बतला दें कि आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, लेकिन इसमें जितने भी टर्मोलॉजी है वो बायोलॉजी का है, जिसको आप कॉलेज स्तर पर जूलॉजी और बॉटनी अलग अलग ऐसे सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं। तो जूलॉजी के अंतर्गत जीव जंतुओं के बारे से और बॉटनी के अंतर्गत विभिन्न वनस्पतियों के बारे से पढ़ा जाता है। अब इन जो शब्दावली इसमें जो दिया हुआ है, ये अपने लिए थोड़ा असहज महसूस होगा कि विभिन्न जो ये शब्द दिए हुए हैं, जैसे आर एन विटेकर ने इसमें संपूर्ण जीव जगत को 5 वर्गों में विभाजित किया है। जीव जगत का यहां पर तात्पर्य है कि जंतु और पौधे। उसमें पहला शब्द पहला विभाजित किया मोनेरा, जो सूक्ष्म जीव है, एक कोशी है, जिसको बैक्टीरिया या जीवाणु कहेंगे। प्रोटिस्टा प्रोटोजोआ जंतु, सूक्ष्म एमीबा क्रीमी, फंगी कवक या स्थली भाग पर उसको कहते हैं मशरूम। कैसे उत्पन्न होता है आप उनके बारे से सोचिए, फंगी मशरूम। प्लांट्स, विभिन्न प्लांट्स हैं, विभिन्न वनस्पतियां हैं और विभिन्न जीव जंतु। तो यहां तक का यदि हम बात करें, देखिए इन्वायरमेंट की बात करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं, इस पर्यावरण पर स्थली भाग में विभिन्न जीव जंतु हैं, विभिन्न पौधे, बॉटनिकल और जूलॉजी के टर्मोलॉजी में इस प्रकार से यह चित्रण होता है स्थली भाग। अब इन्हीं स्थली भागों पर जो जीव जंतुओं और पौधों का जो विभाजन किया गया है, उसी को हम ये कल्पना करें कि समुद्र, जैसे आप कहते हैं महासागर, तो महासागर की तली तक जो रहस्यमय विहंगम जो दृश्य, रंग बिरंगे जो दृश्य आप गूगल में जाके नेट की सहायता से अपने लैपटॉप और मोबाइल में जब आप देखिए, तो अद्भुत और विचित्र दृश्य महासागरीय क्षेत्रों का आपको मिलेगा। आपको यह कल्पना करना है, हम लोग, हमें बार बार इस चीज को बोलता हूं कि भाई हम लोगों के जमाने में टीवी नहीं था, नेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो हम लोग जो किताबों में दिया रहता है या उसका चित्र जो बना रहता है उसी आधार पर कल्पना करते थे। लेकिन आज इस टेक्नोलॉजी के जमाना में आपके पास इतना सशक्त माध्यम है कि आप एक टाइप करते हैं, मान लो एलगी टाइप किया, तो कितने प्रकार के सूक्ष्म पौधे समुद्रों के नीतल में ऊपरी भागों में मिलता है, कितने प्रकार की मछलियां हैं, मुख्य रूप से विभिन्न रंग बिरंगे मछलियां हैं। तो किताबों से इसको आपको पढ़ना होगा। हम आपको केवल इसमें एक इंट्रोडक्शन के रूप में आपके पाठ्यक्रम में ओशनोग्राफी के अंतर्गत, चूंकि बायोजोन्स दिया हुआ है, यह एक कॉमन शब्द है,
स्थली भागों के संदर्भ में भी है और महासागरी नीतल के भी संदर्भ में। तो हमें चूंकि ओशनोग्राफी के अंतर्गत पढ़ना है तो हमें इसको महासागरी नीतल के संदर्भ में पढ़ना है। तो ये जो विभिन्न सूक्ष्म जीव जंतु पौधे जो है 1 मिलीमीटर से लेकर कई मीटर की लंबाई वाले जो जीव जंतु हैं, इनके विहंगम दृश्य को आप नेट के माध्यम से या डिस्कवरी चैनल के माध्यम से या नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के माध्यम से आप परिचित होते हैं, अवगत होते हैं। तो ये बायोलॉजिकल टर्मोलॉजी है, इसमें नाम जो दिया हुआ है बायोलॉजी का ये विषय है। अब चूंकि हम ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, भूगोल के विद्यार्थी हैं, तो भूगोल में हम मुख्य रूप से क्या पढ़ते हैं, इसका स्थानिक वितरण पढ़ते हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। ज्योग्राफी का स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ता है, अन्य विषय से हमें यही बात डिस्ट्रीब्यूशन ही अलग कराता है। कोई भी पढ़ सकता है रेनफॉल के बारे से, लेकिन रेनफॉल कहां कहां अधिक होता है उसका स्पेशियल पैटर्न हम लोग पढ़ते हैं, स्थानिक वितरण पढ़ते हैं। तो उस दृष्टिकोण से हम इस बात को लेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म या बायोजोन्स की बात करते हैं, इसको हम भूगोल के विद्यार्थी स्थानिक वितरण के संदर्भ में लेंगे। तो आइए आप विभिन्न जीव जंतु विभिन्न पौधों का जो ये जगत है स्थली भाग में, उसको आप चूंकि देखते हैं। अब महासागरी नीतल में जो विभिन्न जीव जंतु हैं उनको हम अध्ययन करते हैं बायोजोन्स, जैव कटिबंध में बांटकर। जैसे आप कहते हैं कि भाई तापमान के आधार पर उष्ण कटिबंधी, शीतोष्ण कटिबंधी, शीत कटिबंधी वितरण, इस प्रकार से तापमान की विशेषता के आधार पर। तो उसी प्रकार से हम ये समझें कि जैव कटिबंध में सबसे पहले इन विभिन्न जीव जंतुओं को रेखांकित किया गया है। सर्वप्रथम 1934 में होवर्स महोदय, उसके बाद 1940 में एक नेशनल रिसर्च काउंसिल कमेटी गठित किया गया, जो 1957 में उन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया और बायोजोन्स को दो भागों में बांटा। पहला भाग बेंथिक तली और दूसरे भाग को कहते हैं पेलेजिक जली क्षेत्र। अभी गहराई के अनुसार है, लंबवत रूप से हम इसका वितरण देखते हैं। इस चित्र को आप ध्यान से देखिए, किताबों में भी ये चित्र है। ये जो बना हुआ है, ये जो ऐसे जो ये रेखा है, ये आप जानते हैं कि जैसे भारत देश को ही ले लीजिए या अफ्रीका महाद्वीप को ले लीजिए या ये दक्षिणी अमेरिका को ले लीजिए, ये स्थली भाग है और ये जल भाग है। तो इसके जल की नीतल की बनावट के बारे से आप सबसे पहले पढ़ते हैं। उसमें आपने क्या पढ़ा कि समुद्री तट, फिर उसमें आप कहते हैं कि पुस्तकी भाषा में कहते हैं कि 100 फेदम तक की गहराई और मंद ढाल वाले नीतल को महाद्वीपी मग्न तट कहते हैं। उसके बाद कहते हैं कि 45 डिग्री से अधिक ढाल वाले क्षेत्र को महाद्वीपी मग्न ढाल कहते हैं। फिर कहते हैं गहरे सागरी मैदान 2000-4000 मीटर की गहराई तक, जो गहरे सागरी मैदान है। चौथे आप कह देते हैं गर्त की बात करते हैं, ओसिन डीप की बात करते हैं, ट्रक गर्त की बात करते हैं, खंड की बात करते हैं। तो ये तली कहलाता है, ये समुद्र की तली कहलाएगा बेंथिक। अब इसमें पाए जाने वाले विभिन्न जो जीव जंतु और पौधे हैं उनके बारे से हमें पढ़ना है। तो इसमें आप पहले, अब चूंकि पुस्तकी है, अब चूंकि आपको परीक्षा में यदि पूछा जाता है कि बायोजोन्स जैविक कटिबंध को
या इसको मेरिन बायोम भी कहते हैं, बायोम शब्द भी पूछ सकते हैं इसको। तो आपको लिखना उत्तर क्या है यहां से आप चालू करेंगे। तो पहले इसको लंबवत रूप से देखते हैं, तली में और जली क्षेत्र में। अब इस क्षेत्र को यदि थोड़ा से हम देखना चाहें तो ये जो तली है, यदि हम पहले चलो बात कर लेते हैं तली कहीं, तो आप जानते हैं कि उच्च ज्वार जो लहरें आती हैं उच्च ज्वार कहते हैं और निम्न ज्वार कहते हैं। तो ये देखिए कि ये यहां से चालू करें तो ये उच्च ज्वार और ये निम्न ज्वार। तो ये जो तली है, ये जो भाग है समुद्र का, जो तट वाला भाग है, इसको लिटोरल कहते हैं, जिसको वेलांचली कहते हैं, हिंदी में वेलांचली कहते हैं। ये भाग उच्च द्वार और निम्न द्वार, ये इसको कहते हैं लिटोरल। एक शब्द है सुप्रा लिटोरल, कभी कभी तेज लहरें आती हैं तो इससे भी ये क्षेत्र समुद्र का तट में आप गए हैं तो ये वाला भाग। यहां पर भी कुछ जानवर पाए जाते हैं जिसको सी काउ कह देते हैं या सी फॉरेस्ट एरिया यहां पर बोल रहा हूं। अब इसकी बात करें, ये लिटोरल वेलांचली उच्च और निम्न। फिर उसके बाद आता है आपका इसी में सब उप वेलांचली, ये वाला भाग, ये कौन सा भाग कहलाएगा, महाद्वीपी मग्न तट, एक चबूतरे के रूप में एक प्लेटफार्म के रूप में कम ढाल वाला भाग को आप महाद्वीपी मग्न तट कहते हैं। तब इसको इस भाषा में एक जैविक कटिबंध के रूप में पहला जो आया बेंथी उसका उप भाग में कह देते हैं सब लिटोरल। उसके बाद इसी में आप ये तली की बात कर रही है। तो इतने भाग को यहां से महाद्वीपी मग्न तट के बाद महाद्वीपी मग्न ढाल गहरे सागरी मैदान और गर्त को के लिए टर्मोलॉजी शब्द उपयोग कर देते हैं कि बेंथी या एबिशो या हेडन, ये हेडन कहलाएगा कि जो गर्त है अंधकारमय है बहुत गहराई में है। तली का भाव, तली की बात करेंगे, इन शब्दों का उपयोग अभी टाइप्स में और आपको बताना, हम और बताएंगे आपको। हेडर्स ये गहरे अंधकार में जो ये क्षेत्र है इसके लिए हेडर्स शब्द उपयोग किया गया। तो इस प्रकार से जैविक कटिबंध का पहला प्रकार हुआ जिसको हम तली कटिबंध कहते हैं, बेंथी कटिबंध कहते हैं, जिसमें एक बार पुनः देखिए कि यहां से ये तट की बात करते हैं, तली की बात करते हैं, तली की बात करते हैं, ये तो बेंथिक बायो कहलाता है या बायोजोन कहलाता है। अब दूसरा है पहले जी जली, जली भाग, ये देखिए यहां से तट आप कह सकते हैं, यहां तट से यहां तक का जो भाग है ये पूरा भाग ये जली भाग कहलाता है। अब इसको भी गहराई के आधार पर दो भागों में बांट देते हैं, एक को कह देते हैं नेरेटिक और दूसरे को कह देते हैं ओशनिक। अब ये प्रकाशी मंडल भी इसको कहते हैं, प्रकाशी 200 मीटर की गहराई तक सूर्य की किरणें पहुंच जाती है और तब इसको प्रकाशी मंडल भी कहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, महासागर की नीतल में पाए जाने वाले विभिन्न जीव जंतु जो हैं पौधे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वह है प्रकाश, वह है लाइट, वह है सूर्य की किरणों का वहां तक 200 मीटर तक लगभग पहुंच जाना, जिससे प्रकाश विश्लेषण की विधि से फोटोसिंथेटिक मेथड से वह अपना भोजन प्राप्त करता है। तो यह जो बात है फोटिक जो बात है प्रकाश मंडल वाला जो बात है यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। देखिए आपका यह कहलाता है कॉन्टिनेंटल सेल, महाद्वीपी मग्न ढाल का जो एरिया है वो सबसे महत्वपूर्ण बात महासागर नीतल के संदर्भ में। तब इसको पहले जी, अब पहले जेंट के अंतर्गत आपको कहा नेरेटिक और ओशनिक, अब ओशनिक के अंतर्गत गहराई के अनुसार इपीपेलेजिक, मेसोपेलेजिक, बेंथीपेलेजिक,
एबीसो पेलेजे इस तरह से टर्मिनोलॉजी का उपयोग करते हैं। गहराई के अनुसार लंबवत गहराई के अनुसार हम बायोजोन्स को ऐसे इस प्रकार से विभाजित करते हैं उनकी गहराई के आधार पर। यहां लिखा है बेंथिक, ये देखिए बेंथिक, तो ये जो पूरा क्षेत्र हुआ ये तली कहलाता है, जिसमें तल, अभी आगे चल के आए उधर बात कि तल पर निवास करने वाले विभिन्न जीव जंतु की बात करेंगे बेंथिक, और जल, जल में रहने वाले जीव जंतु को पेलेजेइक शब्द उपयोग किया, और पेलेजेइक को गहराई के आधार पर पुनः फिर दो भागों में बांट दिया गया है कि नेरेटिक कह देते हैं, जिसको आप महासागरीय निक्षेप में भी आपने पढ़ा है कि तलवासी निक्षेप और महासागरीय नीतल निक्षेप इस तरह से, और उसका फिर गहराई के अनुसार ऐसे विभाजन किया गया है। तो ये जो बायो जोन्स की जब बात करते हैं, जैविक कटिबंध की बात करते हैं, या मेरीन बायोम की बात करते हैं, तो आप ये स्पष्ट हो जाइए कि उसमें पाए जाने वाले विभिन्न जो जीव जंतु हैं उनका गहराई के अनुसार वितरण किस प्रकार से है। जैसे आप इसको यह भी समझ सकते हैं कि जैसे आपने वायुमंडल पढ़ा, तो वायुमंडल की संरचना की बात करते हैं, उनके कंपोजिशन के आधार पर उसको अलग अलग लेयर्स, अलग अलग परतों में आप विभाजित करते हैं। तो इस प्रकार से कटिबंध या बायोजोन्स का यहां पर इस क्लासिफिकेशन का तात्पर्य यह हुआ कि लंबवत गहराई के आधार पर हम इसको बेंथिक पेलेजेइक ये दो भागों में बांट देते हैं, और फिर उसका ये सब डिवीजन किया जाता है। तो ये यदि एग्जाम में आता है आपका कि मेरीन बायोम या जैविक कटिबंध या बायोजोन्स, तो आपको इतने पोर्शन को बदलना है।